बच्चों प्रीवियस वन से ठीक है, अब आगे आते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? द क्लोज शेप, क्लोज शेप विच हैव फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स। ऐसा क्लोज शेप जिसमें फोर साइड्स हो और फोर कॉर्नर्स हो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन होता है पॉलीगन से। ठीक है, द पॉलीगन विच हैव, बाकी चीज वही है, यहाँ पे क्लोज शेप लिखते हैं, पॉलीगन लिखते हैं, विच हैव फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल का, तो आप नोट्स बना लीजिएगा इसको। क्वाड्रिलेटरल, द पॉलीगन विच हैव फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रिलेटरल के बाद आपका क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स आएंगे। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। ओके, डेफिनेशन आपको पूछेगा डिफाइन क्वाड्रिलेटरल, तो आप इसमें से दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। टाइप्स, टाइप्स देखिए दो चीजों पे बेस्ड रहता है, जनरली ये चीज बताते नहीं है। ठीक है, पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड्स, तो नॉन पैरेलल साइड्स में कुछ होता ही नहीं है ज्यादातर। ठीक है, नॉन पैरेलल इसमें होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में ही पूरा आएगा। क्वाड्रिलेटरल का मेन होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से ही सब आएगा। पहला पैरेललोग्राम ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि पैरेललोग्राम सेपरेट एक नाम से भी रहता है। पैरेललोग्राम के अंडर आएंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा। स्क्वायर, सॉरी पहले रेक्टेंगल लिख देते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, राइट शेप। ठीक है, ये सारे क्या है? पैरेललोग्राम के एग्जांपल है। रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम एंड काइट। तो रेक्टेंगल होता क्या? आप सबके डेफिनेशन एक A1 बाई वन आते हैं। ठीक है, इनके सारे डिटेल्स हम पढ़ेंगे, ताकि आपको जब भी आप पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ें तो आपको पूरी डिटेल्स याद आए, पूरी डिटेल्स आपको पता हो कि पैरेललोग्राम के बारे में होता क्या है, क्या चीज़ है पैरेललोग्राम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पैरेलल साइड में सिर्फ क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं उससे इसलिए उस वहाँ पर नहीं लिखा। पैरेललोग्राम, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट अबाउट पैरेललोग्राम। व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? सबसे पहले द पॉलीगन या द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पॉलीगन तो हम वहां पे लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? द क्वाड्रिलेटरल हूज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगनल्स, तो मेन डेफिनेशन यहां तक है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पॉइंट वन, फर्स्ट पॉइंट, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, बुक में आपको ऐसा अलग अलग मिलेगा। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करना मतलब दो बराबर भागों में एक दूसरे को काटना। ठीक है, अगर मैं ये लाइन ऐसे कट कर रहा बाइसेक्ट कर रहा बोलूंगा, तो इधर और इधर का लेंथ अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 4 है, इधर का भी 4 होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है ये बाइसेक्ट करना। ओके,
दो बराबर भागों में बांटना, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगनल क्या होता है, डायगनल का भी डेफिनेशन लिखा दूंगा मैं यहाँ पे, डायगनल व्हाट इज अ डायगनल, ठीक है, शेप डायग्राम आप बना लेंगे इस तरह से, ठीक है, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, ए बी सी डी नाम दे दीजिए, ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी, ठीक है, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ऑल्सो ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये सारा चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आएगा पैरेललोग्राम के बाद आएगा रेक्टेंगल, ठीक है, पहले रोम्बस बात करते हैं, ठीक है, देन वी विल गो टू रेक्टेंगल। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, द पैरेललोग्राम, वह सबका डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है, आप लिखना चाहो तो, हूज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इक्वल एंड पैरेलल, वैसे पैरेललोग्राम बोलने से आ जाता है, ठीक है, पैरेलल एंड, या तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, पैरेललोग्राम द हूज, द पैरेललोग्राम हूज ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट एंगल का बात ही नहीं है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, सभी एंगल कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, ओके, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगल आप लोग कॉमन लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हैं, टाइल्स है, टाइल्स तो खैर स्क्वायर शेप होता है, बोर्ड है, डोर है, गेट है, विंडोज है, टीवीज है, और बहुत सारी चीजें, बुक्स हैं, ये सब क्या है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, रेक्टेंगुलर, इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, ए बी सी डी, इसकी भी खासियत यह है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑल एंगल्स आर इक्वल, दूसरा पॉइंट अपोजिट साइड, उसमें हमने क्योंकि नहीं लिखा इसलिए यहां पे लिख रहे हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, थर्ड अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल टू 90 डिग्री यहां लिखेंगे, ठीक है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ओके, सी हो गए थ्री पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स अगर आपको आता है तो देख लीजिएगा, ठीक है, ये लेंथ बराबर होगा, इसका लेंथ बराबर होगा, इसको हम लिख देते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी, ठीक है, सो दिस आर द पॉइंट्स व्हिच यू शुड नोट डाउन, और ऐसा नहीं कि आपने अभी नोट किया भूल गए, अगले साल कोई काम नहीं आएगा, अगले साल आपको फिर से क्वाड्रिलेटरल में इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, सो प्रिपेयर इट, प्रिपेयर द नोट्स, एंड दिस विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, जैसे आप पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं वो यहाँ पे काम आ रही है, यहाँ पढ़ेंगे वो अगले क्लास में काम आएगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं कुछ लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, फिर बोलते हैं अगले क्लास में हमको समझ में कुछ नहीं आता,
बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है? तो आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, सो बेटर है आप करिए इनको, ओके? नेक्स्ट, ये तो हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद आता है रोम्बस, ठीक है? रोम्बस देखते हैं, ओके? रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? द पैरेललोग्राम हूज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? द पैरेललोग्राम हूज ऑल साइड्स आर इक्वल, इस तरह से इसके सभी साइड बराबर होंगे, ठीक? पॉइंट वन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम में होता है वो होगा ही, ठीक है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यहां पे एक स्पेसिफिक चीज आएगा, ठीक है? डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलर, ठीक है? तो डायगनल्स होंगे, डायगनल ये होता है, ठीक है? यहां रखिएगा, डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है? तो सभी साइड इक्वल है, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसमें एक खूबी अलग से आता है, ठीक है? आफ्टर दैट इसके बाद आएगा स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होगा? आप देखिए, स्क्वायर, स्क्वायर हम कह सकते हैं रेक्टेंगल और रोम्बस की स्पेशल खूबियों वाला शेप, ठीक है? रेक्टेंगल में सभी एंगल इक्वल होता है, रोम्बस में सभी साइड इक्वल होता है, ठीक है? तो स्क्वायर क्या होता है? दोनों चीज को कंसिस्ट करता है, इसके सभी एंगल इक्वल होगा, सभी साइड इक्वल होगा, ठीक है? तो ये दोनों टाइप के बोल सकते हैं, इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, दोनों को जब कंबाइन करेंगे और उनके कुछ खूबियों को मिलाएंगे तो ये हाइब्रिड क्वालिटी बोल सकते हो आप। घर में टाइल्स होता है, बोर्ड्स होते हैं, कई बार कई जगह बोर्ड देखोगे आप सिंगल पिन वाले बोर्ड होते हैं, वो स्क्वायर शेप होते हैं, ठीक है? क्यूबिक खेलते हो आप, क्यूबिक का फेस जो होता है वो स्क्वायर शेप होता है, ऐसे आप कई चीजें देख सकते हैं जो स्क्वायर शेप में मिलेगी, ठीक है? तो इस तरह से इसके खूबी आपको आप समझ में आ गया होगा, ठीक है? स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, इसका क्या है? द पॉलीगन हूज ऑल साइड्स, सॉरी पॉलीगन की जगह हम क्या लिखेंगे? पैरेललोग्राम लिखेंगे, ठीक है? पैरेललोग्राम द पैरेललोग्राम whose all sides are equal and all angles are also equal, that is equal to 90 degree, ठीक है? 90 degree के बराबर होगा सभी angles, okay? आ रहा समझ में? तो ये हो गया स्क्वायर। इसकी एक खासियत और है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलर, सिंबल का यूज करते हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल तो मालूम है ना,
ठीक है, परपेंडिकुलर का इस तरह से खड़ी करते हैं, पैरेलल जब लिखते हैं पैरेलल के लिए 11 लिख लीजिए, ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ओके। सो ये हो गया स्क्वायर, क्या क्या हो गया आपके, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। अब आते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ज्यादा खासियत कुछ नहीं है, एक ही उसमें वन पेयर इज आप अपोजिट साइड से पैरेलल, ठीक है। ट्रेपेजियम बहुत ज्यादा इसमें खासियत कुछ नहीं होता है, ठीक है, इस तरह से होगा, जरूरी नहीं है पैरेलल हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में सॉरी ये नहीं, ट्रेपेजियम पे यही आएगा, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बेसिक ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, क्वाड्रिलेटर के बारे में जो डिटेल है वो मैंने बता दिया आपको। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो आपको समझना है जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई है वहीं से क्वेश्चन है, वहीं से बनेंगे, उसी का आएगा। एक और क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो है सम ऑफ ऑल द एंगल्स। तो मैं इसको एक इससे रिलेट करूंगा, ठीक है, एक डायगनल बचा हुआ, तो डायगनल बता देता हूँ, व्हाट इज अ डायगनल, डायगनल को भी लिख लीजिए, द लाइन सेगमेंट विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन एंड विच डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इन टू ट्राइंगल्स, ठीक है, टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है कौन, डायगनल, उसको बोलते हैं डायगनल्स, ठीक है, इस तरह से डायगनल बनता है, ओके। किसी भी शेप में, स्क्वायर हो स्क्वायर में, रेक्टेंगल हो रेक्टेंगल में, ठीक है, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल, स्क्वायर में स्क्वायर, ओके। सो डायगनल समझ में आ गया। और एक और पॉइंट होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, थैंक यू, गुड डे।